तो आम का सीजन आ चुका है और आज की हमारी रेसिपी है ये डिलिशियस सी सामा कूलेंट आम बना जो सबको बहुत पसंद होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बट बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो लेट्स बिगिन सबसे पहले मैंने लिए आधा किलो आम और कच्ची कैरियाँ बेसिकली और इनको अब हम पील करेंगे अच्छे से और फिर कट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं जब ले रहे हैं तो दो तीन थोड़े कच्चे ले लीजिए और एक थोड़ा सा पका ले लीजिए ताकि उसकी मिठास अलग से आए उसमें काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तो एक पका हुआ सा आम अगर हो तो वो ले लीजिए बाकी कच्ची कैरियाँ ले लीजिए तो टोटल आधा किलो मैंने लिया ये और अब इसकी स्किन को पील कर लेंगे आप चाहे तो नाइफ़ से कर सकते हैं या पीलर से कर लीजिए और ऊपर का जो ये हमारा स्टेम वाला पार्ट है इसको हम कट कर देंगे तो ये देखिए ये वाली एक मेरी थोड़ी सी येलो है तो मैंने आम नहीं लिया है यही थोड़ी सी पकी हुई थी तो दो थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा पकी हुई है थोड़ा सा मिठास इसी से आ जाएगा बाकी हम चीनी डालेंगे तो अभी मैंने इनको अच्छे से पील कर लिया है इनको अब कर लेंगे हम रफली चॉप बहुत फाइनली चॉप नहीं करना तो अगर किसी की गुठली ज़्यादा पकी हुई है तो उसको साइड से गुठली को ऐसे स्क्रेप करके निकाल लीजिए एक्स्ट्रा जो भी पल्प है उसको अगर किसी की कच्ची है तो उसको कट कर लीजिए और अंदर से गुटली को निकाल लीजिए तो स्क्रेप करके सारा इसका पल्प निकाल लेंगे हम और ऐसे ही अपने सारी बाकी बची हुई कैरियों को भी कट कर लेंगे बहुत फाइन चॉप नहीं करना है लेकिन कुछ को बहुत बारीक नहीं काटना और कुछ को बहुत मोटा ऐसा नहीं काटना है तो ये देखिए ये बिल्कुल कच्ची है बस इसमें से ये कच्ची वाली जो गुठली निकली है इसको हम निकाल देंगे इसको हमें अलग से बाकी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है और इसको भी कट कर लेते हैं ये ऐसे करके इसकी जो गुठली है इसको निकाल दीजिए और ये हमारा थोड़ा पका वाला सा आम है ये देख लीजिए तो कुछ थोड़ी थोड़ी सी येलो है दो इसमें थोड़ी सी येलो थी और बाकी बिल्कुल कच्ची थी तो अभी इनको अच्छे से चॉप करके हम रखेंगे और ये मीठी वाली इसीलिए होती है कि थोड़ी सी मिठास थोड़ा सा बैलेंस हो जाए खटास का और मिठास का तो ये अच्छे से पक च, आ, मैंने काट लिए चॉप कर लिए अब इनको हम बॉइल करेंगे तो ये मैंने कढ़ाई ली है और इसमें अब अपनी कैरी डाल देते हैं और इसमें मैं डाल दूंगी दो कप पानी के बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालने क्योंकि फिर जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी कम इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है तो पानी कम रखना है इसमें डालूँगी एक टेबल स्पून सौंफ की चीनी और सारा इंग्रेडिएंट्स का जो भी मेजरमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से ले लीजिए और चीनी का आप मिठास देख लीजिए अगर आपने पकाने के बाद आपको लग रहा है कि आप या तो ज़्यादा मीठा खाते हैं या फिर आपको कम लग रहा है ये डाला हुआ तो आप एक्स्ट्रा पाउडर शुगर डाल सकते हैं या फिर और थोड़ा सा शुगर शुगर सिरप बना के इसमें ऐड कर सकते हैं तो इसमें अभी मैंने थोड़ा सा अदरक डाली है जीरा पाउडर डाला है भुना जीरा पाउडर काला नमक और अब हम इनको ढक के पंद्रह मिनट बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पे ताकि ये सारी चीजें पक जाए और पानी जितना है वो जल जाए बहुत ज्यादा पानी इसमें ना रहे तो इनको अच्छे से बॉईल करेंगे तो थर्टीन मिनट हो चुके मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अगर नहीं पकी होंगी तो फिर दोबारा से और पका लेंगे थोड़ा सा दो चार मिनट तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी अभी हार्ड है अब मैं इनको वापस ढक के रख देती हूँ और चार पाँच मिनट वापस से पकने देते हैं तो मैंने फ्लेम हाई ही रखी है ताकि ये पानी जो एक्सेस है वो जल जाए इसमें बस जो चीनी वाला जो कैरमलाइज्ड होगा और चीनी पिघलेगी वो रहना चाहिए बाकी जल जाएगा पानी तो बस हमारे कैरी अच्छे से पक जाए उतना पानी होना चाहिए तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुकी है मैं एक फोक से भी आपको अभी तोड़ के दिखा देती हूँ कैरी में कच्चा पन नहीं रहना चाहिए अदरवाइज वो एक तो खराब होने के चांसेस हो जाते दूसरा फिर उसमें थोड़ी रॉनेस सी आएगी आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसका तो ये देखिए कितने अच्छे से पक चुकी है अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने देंगे लुक एट दिस तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया इसको मैं रख देती हूँ और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे हम उससे पहले हमें नहीं पीसना है बहुत ज़्यादा गर्म को आप जार में डालेंगे तो वो जार भी खराब हो जाता है तो ये देखिए ठंडी हो चुकी है अब मैं ये जार ले, ले लेती हूँ और इसको इसमें डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे पुदीना तो अच्छे से मैंने ये वॉश करके मैंने स्टेम्स के साथ ही लिया है लीव्स के निकाल के अलग से वो करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें पीसना है तो बाद में हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो जो भी रेशे से रह जाते हैं स्टेम्स के वो निकल जाएंगे और पुदीने का आपके पास एक ऑप्शन है क्योंकि पुदीने से क्या होता है इसका कलर डार्क होता है तो जैसे जैसे इसका आ, टाइम बढ़ेगा ज़्यादा दिन रखेंगे उतना ज़्यादा काला होता चला जाएगा तो इफ़ यू वांट आप सिर्फ ये जो हमने कैरी उबाली थी इसको पीस लीजिए और इसको रख लीजिए जब आपको पानी बनाना हो पन्ना पीना हो तो बस उसमें कुछ लीवस को क्रश करके डालिए और पी लीजिए अदरवाइज अगर आप चाहते तो आप इसको साथ में पीस के रख लीजिए बस टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस इतना है कि जब आप साथ में पीस के रख देंगे तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और अब हम इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे पानी वानी थोड़ा बहुत ऐड करना है अगर आपके पत्तों की ये पुदीने की स्टेम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो और पिस नहीं रही हैं तो हल्का सा डाल दीजिए वरना पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अब मैं ये स्ट्रेनर लूंगी मोटा वाला ले लीजिए क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है तो बारीक से पिस ये स्ट्रेन होगा नहीं और एक स्पून की हेल्प से इसको सारे को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि ये जो रेशे वेशे हैं कैरी के और हमारे इसके पुदीने के वो ना रहें इसमें तो अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ये देखिए ये सारा रह गया इसको पानी में डाल के मिक्स करके छान लीजिएगा तो एक गिलास आपका बन जाएगा और बाकी को मैं अच्छे से इस स्ट्रेनर को साफ करके निकाल देती हूँ तो ये देखिए हमारा आम पन्ना का बेस बिल्कुल तैयार है और एकदम स्मूथ है बस इसको एक एयर टाइट आ, कोई भी वाटर बॉटल में डाल दीजिए या किसी भी बर्तन में डाल दीजिए और इसको ढक के रख दीजिए फ्रिज में और पंद्रह दिन तक दिस विल बी वेरी गुड बस अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको कैसे पीना है कैसे पानी इसमें डाल के और बाकी आपकी चॉइसेस है सारे अगर आप एडिशनल कोई चीज़ जलजीरा या कुछ ऐड करना चाहते हैं और अगर आपकी कैरी या आम खट्टे नहीं थे तो वो भी कर सकते आप कि इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो अभी पहले इसमें इसमें मैं थोड़ी सी क्रश्ड आइस डालूंगी थोड़ा सा काला नमक क्योंकि मुझे पेस्ट में नमक कम थोड़ा लग रहा था कम लग रहा था इसमें डालेंगे अपना आम पन्ना जितने ही आपको खटास एक्स्ट्रा चाहिए उसके हिसाब से और अब इसमें थोड़े से डाल देंगे पुदीने के पत्ते अगर आपने पुदीना आम पन्ना में पेस्ट नहीं बनाया है तो थोड़े से ज़्यादा पत्ते लेके क्रश करके फिर डालिए साबुत नहीं डालना है और अब इसमें चिल्ड पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और शुगर को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए और कम पसंद है तो कम उस हिसाब से कर लीजिए तो ये देखिए हमारा डिलीशियस सा आम पन्ना तैयार है और ये बहुत ही अच्छी समर कूल रेसिपी है काफी अच्छा रहता है और एक बार मेहनत करनी है फिफ्टीन डेज के लिए यू विल बी गुड टू गो और काफी अच्छी रेसिपी है तो जरूर ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में टिल दिन बाय टेक केयर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू गाइज कैन ऑलसो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सी यू साइज सुपर सुन बाय बाय